तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक फर्म चला रहे हैं, आप सोसाइटी चला रहे हैं, आप ट्रस्ट चला रहे हैं या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन में। बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पर जब ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हैं तो आपको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करना होता है, जिसमें आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड उस ट्रेनिंग कॉस्ट को गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहां पे ग्रांट मिलता है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। अब यहां पे कुछ मेजर एस्पेक्ट्स की हम लोग स्टार्टिंग में बात कर लें, जैसे लास्ट डेट क्या होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2023 है। आपको 7 नवंबर 2023 में ऑनलाइन मोड में इस टेंडर को सबमिट करना है। अगर आप बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन में ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हैं तो आप लोगों के पास काम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, जैसे ब्यूटी वेलनेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, एंड और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी जा करके देख सकते हो। तो प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप टेंडर को सबमिट करते हो, टेंडर सबमिट करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हो। जब आप ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओगे तो आपको डिपार्टमेंट टारगेट्स अलॉट कर देगा, या आप उससे डिमांड कर सकते हो कि भाई हम अपने इस सेंटर पे ये टारगेट्स फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो टेंडर का प्रोसीजर है उसमें आपको स्टार्टिंग में अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल बना करके ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। 50,000 रुपये की, 50,000 रुपीज़ की EMD यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, वो जमा करना है। और 5,000 रुपये की प्रपोजल फ़ी है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, जिसमें 50,000 रुपये आपके रिफंडेबल होते हैं इनकेस अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो ट्रेनिंग पार्टनर के लिए तो। एंड 5,000 रुपये जो आप और पे करोगे वो रिफंडेबल नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट की टेंडर प्रोसेसिंग फ़ी होती है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको अपना टेंडर सबमिट करना है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए एंड जो आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 1 CR पर ईयर हो, यानी कि 1 करोड़ पर ईयर का अगर आपका टर्नओवर है तो आप अप्लाई कर सकते हो आप इस प्रोजेक्ट में। और कुछ ना कुछ आपने स्किल डेवलपमेंट का काम किया हो, या आपका कोई कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है या इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो भी वेल एंड गुड रहेगा, इसमें आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी। तो अगर आप बिहार स्टेट में काम करना चाहते हो, बिहार स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉस, पैन कार्ड, ठीक है, टर्नओवर सर्टिफिकेट, लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, ITR, जो भी आपका डेटा है, ठीक है, आपको सबमिट करना होगा ट्रेनिंग टेंडर के साथ। एंड आपको मैं बता दूं कि जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल के फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, उसको प्रॉपरली फिल करना है, सही तरीके से एकदम बनाना है अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो। और आपको यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो आप हमारे थ्रू भी इस टेंडर को सबमिट करवा सकते हो, जिसमें हम आपको फुल सपोर्ट एंड लाइजनिंग वगैरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड जो सर्विस होते हैं वो चार्जेबल होती है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ई कंसल्टेंसी इंडिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।